हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। क्लास नाइन्थ के एग्ज़ाम्स के बाद आप लोग टेंथ में आ गए हैं, तो टेंथ मैथ भी स्टार्ट कर दी जाए। देखिए, क्लास टेंथ में आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स पढ़ना है। रियल नंबर्स के अंतर्गत पहली एक्सरसाइज है जिसमें आप लोगों को यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में पढ़ना है। बच्चों, ये यूक्लिड डिवीजन लेमा है कुछ नहीं, तो जो प्रमेय डिवीजन वाली थ्योरम आप लोगों ने क्लास छोटी कक्षाओं में पढ़ी थी, उसी का बदला हुआ रूप है। ये क्या है? डिवाइडेंड इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वार्टेंट प्लस रिमाइंडर। सेम है यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या है? ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये है यूक्लिड डिवीजन लेमा और कुछ नहीं। ये इससे कैसे मिलती है? देखिए, जब ए को बी से डिवाइड किया जाता है तो कुछ ना कुछ क्वाड्रेंट मिलेगा, क्यू स्मॉल लेटर, और कुछ रिमाइंडर आएगा। तो इसी फॉर्म में, देखिए, इसी फॉर्म में आ गई। अब यहाँ पर आपके पास डिवीजर क्या है? बी। क्वाड्रेंट क्या है? क्यू। और रिमाइंडर क्या है? आर। और डिवाइडेंट क्या है? ए। तो ये हो गई आपकी यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब इसका और कुछ यूज नहीं है, इसका यूज है सिर्फ एच सी एफ फाइंड करने में। आपकी एक्सरसाइज 1.1 में एच सी एफ के क्वेश्चन दिए जाएंगे, वो आपको करने होंगे। तो एच सी एफ हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? अच्छा, आप लोगों को रिमाइंड करा दूं, पिछली क्लासों में आप लोगों ने एच सी एफ को दो तरह से पढ़ा होगा, टू मेथड से आप लोगों ने एच सी एफ पढ़ा है। कौन कौन से? एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और एक डिवीजन मेथड। उसको तैयार करने के लिए मैं आप लोगों को दो छोटे छोटे एग्जांपल की हेल्प से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड बता रहा हूँ। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तो ठीक है, लेकिन जिस बच्चे को ये यूक्लिड डिवीजन लेमा से एच सी एफ फाइंड करना है इस एक्सरसाइज में, तो उसके लिए डिवीजन मेथड आना जरूरी है। जैसे कोई टू नंबर्स लेते हैं, 12 एंड 36 ले लिए, मान लो 12 एंड 36, तो इनके फैक्टर्स क्या होंगे? पहले हम लोग एच सी एफ बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इससे करते हैं। तो 12 के फैक्टर क्या होंगे? 2 इंटू 2 इंटू 3। इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन कह रहा है तो सिंपल है, हम लोगों को प्राइम फैक्टर्स ही फाइंड करने हैं। 36 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब एच सी एफ क्या हो जाएगा? जो इन दोनों में कॉमन नंबर्स हैं उनको आपको लेना है। देखिए, 2 ले लिया एक, यहाँ पे 2 यहाँ आया है, यहाँ भी आया, 2 फिर से ले लिया, 3 यहाँ आया है, यहाँ आया, इस 3 को भी ले लिया। अब ये 3 नहीं लेंगे क्योंकि ये ऊपर वाले में नहीं आया। तो एच सी एफ क्या हो गया? 12। ये तो एच सी एफ हुआ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब इसके बाद डिवीजन मेथड से देख लीजिए। डिवीजन मेथड से एच सी एफ फाइंड करने के लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना, जो सबसे पहले 2 नंबर हो या 3 नंबर हो, कितने भी नंबर्स का एच सी एफ फाइंड करना है, तो आप सबसे पहले ये दोनों, कोई 2 स्मॉलेस्ट नंबर ले लीजिए। उसके बाद स्मॉलेस्ट में ये चेक कीजिए कौन उन दोनों में से कौन सा ग्रेटर है, तो ग्रेटर नंबर को स्मॉलर नंबर से डिवाइड करना है। 12 से 36 को डिवाइड करना है, रिमाइंडर क्या आया? कितनी बार डिवाइड होगा? 3 टाइम्स, तो 36 आ गया। ये पहले ही कट गया, तो सिंपल है, एच सी एफ इसका भी 12 ही होगा। अच्छा, आप लोग कहेंगे कि सर ने इजी से ले लिए, मैं कुछ ऐसे लेता हूँ जिसमें डिवीजन मेथड थोड़ा सा बड़ा हो। देखिए, कोई नंबर सोचिए जल्दी से,
ये डिवीजन मेथड इसलिए मैं ले रहा हूँ क्योंकि इसका इम्पोर्टेंस यूक्लिड डिवीजन लेमा में है। अगर आप लोग डिवीजन मेथड आता है आपको तो यूक्लिड डिवीजन लेमा नहीं, उसमें दिक्कत नहीं होगी। मैं इसलिए बता रहा हूँ, कुछ कमज़ोर विद्यार्थी होते हैं तो उनको हेल्प मिलेगी। देखिए कौन सा नंबर लें, 36 एंड 75 ये लेते हैं, ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। तो डिवीजन मेथड से देखना है, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में आप लोगों ने किया तो स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर छांट लेना है। तो स्मॉलेस्ट नंबर 36 और ग्रेटेस्ट नंबर 75, 36 से 75 को डिवाइड करना है। कितनी बार डिवाइड होगा बच्चों, 36 टू जा 72, 72 माइनस किया 3 आया, रिमाइंडर 3 आने के बाद आपको 3 से 36 को फिर से डिवाइड करना। ये 3 से 36 को डिवाइड किया तो 12 टाइम में जाएगा और 36 आ जाएगा। जो लास्ट डिवीजर होता है, जो लास्ट डिवीजर होता है वही HCF होता है। तो HCF यहाँ पर क्या हो गया, 3। अब इसके बाद आपकी बुक से कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसको यूक्लिड डिवीजन लेमा से सॉल्व करते हैं। देखिए कोई एग्जाम्पल सोचिए आप लोग बुक से, एक्सरसाइज 1.1 से। मैं पहला एग्जाम्पल लेता हूँ, पहला क्वेश्चन 135 एंड 225, 135 एंड 225, 225। इसका HCF आप लोगों को निकालना है यूक्लिड डिवीजन लेमा से। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि यूक्लिड डिवीजन लेमा से HCF निकालने के लिए आपको सबसे पहले डिवीजन मेथड से साइड में HCF कर लेना है। 135 से डिवाइड करेंगे 225, ये क्लियर आ रहा है, आ रहा है। 135 से 225 को डिवाइड करेंगे तो वन टाइम जाएगा, 135 आएगा, माइनस करेंगे 0, 12 में से 3 माइनस हुआ 9, 90 आया, 90 से 135 को डिवाइड करेंगे तो वन टाइम जाएगा और 90 आएगा, यहाँ बचेगा 5 और 4, 45 से 90 को डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम में चला जाएगा और रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो इस डिवीजन मेथड के अकॉर्डिंग, HCF आपका क्या हुआ, 45। HCF इक्वल टू 45। आपको अब इसी को यूक्लिड डिवीजन लेमा से करना है। HCF बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो आपने यहाँ कर रखा है क्या है, ए इक्वल बी क्यू प्लस आर। आपको अपना फर्स्ट स्टेप यहाँ पे देखना है। फर्स्ट स्टेप क्या है, 225 को डिवाइड किया 135 से कितनी बार में, वन बार। तो यहाँ पे आपको लिखना है 225 इक्वल टू 135 इंटू वन प्लस रिमाइंडर क्या है, 90। ये इसके बाद सेकंड स्टेप क्या है, 90 से डिवाइड किया 135 को, तो 135 ये यहाँ आएगा, 135 इक्वल 90 इंटू वन, कितनी बार डिवाइड हुआ है, 90 इंटू वन प्लस रिमाइंडर क्या आया है, 45। ये इसके बाद अब देखिए, अब थर्ड स्टेप क्या है, 45 इंटू टू, 90 इक्वल टू 45 इंटू टू प्लस 0, रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ गया। जिस नंबर से रिमाइंडर 0 हो जाता है वही HCF होता है। तो HCF इक्वल 45। ये काम आपको अपनी हेल्प के लिए करना है, रफ में अपनी आसानी के लिए करना है, जिससे आपको इस मेथड में दिक्कत ना हो।
एक बार आप लोग देख लीजिए और फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अब इसमें अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो बताएं, अगर आपको कहीं पे मेरी बात नहीं समझ में आ रही या कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, मैं आपकी समस्या का सलूशन कुछ ना कुछ देने का प्रयास करूँगा। अब देखिए ये इंट्रो के बाद हम लोग दूसरे एक्सरसाइज में जब चलेंगे तो उसके सारे क्वेश्चन वन बाय वन करते हुए चलेंगे। कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल क्या लेना है सोचिए आप लोग। बुक से ही लेते हैं कोई एक एग्जांपल, जैसे क्या लेना है जल्दी से सोचो आप लोग। एग्जांपल लेते हैं 272 और 1032, 272 एंड 1032, ये नंबर चेंज है। इसमें भी आप लोग अपना फोकस थोड़ा सा देंगे तो क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला काम क्या करना है, डिवीजन मेथड से HCF आपको उस प्रोसेस को करके बगल में रख लेना। देखिए 272 से 1032 को डिवाइड करेंगे, 272 और 1032 कितनी बार में जाएगा, देखिए टू डिजिट यहाँ से पीछे से वो कर ली, टू इधर पीछे से कर ली, टू फाइव जा टू, फोर बार ट्राई करते हैं। 272 इंटू फोर एट, फोर सेवन जा 28 कैरी टू और फोर टू जा 8 10 1088। देखिए ज़्यादा हो गया, अब थ्री बार में ले जाते हैं तो थ्री बार में चला जाएगा, 3 6 3 7 जा 21 टू और 3 2 जा 6 7 8। अब देखिए 816 के बाद इसको माइनस करेंगे तो 12 से 6 माइनस किया तो क्या आया 6, 2 से 1 माइनस किया तो 2 और 3 से 272 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम में आएगा 216 माइनस किया 12 से 6 6, 6 से 1 5 56 से 216 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा 4 बार, 56 इंटू 4 4 6 जा 24 2 4 5 जा 20 22 ज़्यादा हो गया, 3 बार ही जाएगा, 3 बार में 6 3 जा 18 कैरी 1 5 3 जा 15 116 तो 12 16 से 8 और 10 में से 6 माइनस किया 4 48 से 48 से डिवाइड करना है 56 को तो 1 टाइम 48 16 में से 8 8 आया, 8 से 48 को डिवाइड किया तो 6 टाइम में कट गया 48। ये थोड़ा सा बड़ा था डिवाइड। अब देखिए इसके बाद आगे इसी प्रोसेस को यहाँ लिखना है आपको, HCF बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो सबसे पहले क्या किया, 1032 को डिवाइड किया है 272 से तो इक्वल 272 इंटू 3 प्लस 216। अब इसके बाद सेकेंड स्टेप है, 216 से डिवाइड किया 272 को तो 272 यहाँ आएगा, 272 इक्वल 216 इंटू 1 प्लस 56। फिर इसके बाद अब देखिए थर्ड स्टेप, 272 इक्वल 216 इंटू 1 प्लस 56। 56 के बाद थर्ड स्टेप है, देखिए 216 को डिवाइड किया है 56 से कितनी बार में गया 3 टाइम प्लस 48 रिमाइंडर। अब 48 से 56 को डिवाइड किया, आप लोग देख रहे हैं ये यहाँ आता जा रहा है ये यहाँ, और इसकी हेल्प से करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। तो 56 को डिवाइड करना है किससे, 48 से, कितनी बार में 1 टाइम में, रिमाइंडर क्या आया 8। अब इसके बाद 48 को डिवाइड करना है 8 से, 8 6 जा 48 प्लस 0 तो ये देखिए ये यहाँ आ रहा है, ये आपको माइंड में रखना है।
और रिमाइंडर जीरो आ गया, तो एच सी एफ इक्वल टू 48, नहीं 8, ठीक है। आप लोग और भी क्वेश्चंस अपने से ट्राई करेंगे, और जब हम लोग एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे तो उसमें और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। फिर भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करेंगे।